और देखो बारिश कितनी चालू है अभी तो, और किस तरह से मेरी अम्मी ने पूरा खोल के मेरी अम्मी धो रही है, आप देख सकते हो, क्योंकि ईद की रजा तो होनी है ना, इसलिए हाँ ईद की रजा तो देनी चाहिए, सबको देनी चाहिए। अम्मी जान आज तो बैठ गई है और अम्मी इस तरह से धोती है, देखो इतने टाइम बाद धो रही है ना इसकी वजह से। और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे काम, वो भी आटा गूंदने बैठी हूँ मैं, तो बस चलो अब मैं आटा गूंद लूँ सुबह सुबह, क्या करें हम तो पहला वो कर लूँ, बाद में मिलते। तो बस चलो ये मैंने आटा गूंद लिया है और आटा रख दिया मैंने, अब इसको धोने में जाने देती हूँ। देखो ये साथ साथ आप देख सकते हो कल की बारिश अभी तक चालू ही है इस तरह से, और अभी बच रहे हैं 6 बज रहे शाम के, देखो। और हम सब घर में ही है, क्या करें कहाँ जाएं, सब बोर हो रहे हैं। स्नो वाइट टाइगर, ओ माँ बेटा और कयूम भाई, क्यों घर में बैठे हो? बारिश की वजह से कहीं हम नहीं जा सकते, वरना हमें घूमने जाना था। कोई बात नहीं, अब हम क्या करें, अब हम खाएंगे भजिया, बारिश में भजिए अच्छे लगते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? भुजिया नहीं, वो देख लेना क्या खाते हैं तो फिर आप समझ जाना। तो चलो रम्मी जान कर रही है काम, और ये बारिश आने वाली थी तो सब मम्मी ने मंगवा के रख दिया, क्यों थोड़ा बहुत कि ये बोल, तो हमारे यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2-3 दिन आएगी बारिश इसी तरह से, तो देखो मंगवा के रख दिया है अम्मी चान ने, और साफ सफाई चल रही है अभी। देखो ये किस तरह से बैठे हैं, ये बाप, ये माँ और ये उसका बेटा। और मैं कर लूँ थोड़ी सी प्याज कट, कितनी करूँ मम्मा? मुझे सिर्फ खानी नहीं आती, कयूम खाएगा तो। ओए स्ट्रांग हाइट, ऊपर क्यों चढ़ गई? कयूम खाएगा 2-3-4 ठीक है चलो, तो इसको मैं इतनी कट कर लेती हूँ, बाद में मिलते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज कट करके रख दी है, और अभी अभी मम्मा सब लेके आई है, और देख सकते हो, और ये सूजी का हलवा करेगी आई थिंक। देखो और सब बंद था, सब यानी सब बंद था कि दूसरी ईद है तो बंद ही होगा इसकी वजह से, फिर भी ठीक है चलो मिल गया, यहाँ से हमारे पास में ही है। अम्मी चान चीरा कर रही है और मैं भुजिए 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 प्याज के भुजिए बना रही है। बारिश है ना इसलिए। कयूम के लिए क्या करूंगी सोफी? सूजी का हलवा। सूजी का हलवा, अभी मैं तो क्या बोलने वाली थी मालूम है आप सबको? रवा, हमारे गुजराती। Thank you.
नाश्ता वास्ता क्यों मम्मा? और लाइट चली गई थी इसकी वजह से कुछ दिखा नहीं, अभी लाइट आई है और फिर से भी चली जाएगी, 5 मिनट आती है और फिर कितनी कितनी देर तक चली जाती है। तो बोल रहे हैं हमारे यहाँ पे पानी आने वाला है क्यों मम्मा? 8 बजे हमारे आगे भी पुले, इस तरफ भी पुले और ऊपर से देखो पानी ज्यादा आया तो घर के पास आ जाएगा, घर में भी आ जाएगा, उस साल भी आ गया था। अब हमारे से तो नहीं आता, हमारे से हमारा बहुत ऊंचा है क्यों मम्मा घर? हाँ तो वहाँ नदी में देखो पानी आया ना, दोनों तरफ नदी हमारे और हम बीच में रहते हैं सब। हाँ, बस्ती वाले। तो अगले साल पहली बार हमारे घर में पानी आया। हाँ, था और मम्मा तब अजमेर थी, तब मैं अजमेर थी, गरीब नवाज की छठी करने गई थी और पीछे से पानी आया। इसके पापा जी तो कोई बात नहीं, वरना तो बच्चे तो डर जाएंगे ना। तो इस बार मैं अल्लाह पास दुआ करती हूँ, आज गोसपाक का दिन है, गरीब नवाज कुछ ना करने दे, बस आफत बल्ला से बचाए। आमीन आमीन। क्योंकि बारिश ही इतनी है सब जगह पे। हाँ सही है, तो ऊपर से पानी आता है ना तो वो आ जाते है। तो बस अब लाइट आती है जाती है और कुछ पूरा दिन हमने किया नहीं क्यों मम्मा? घर में ऐसे ही निकाला हमने, घर में बैठ बैठ के, और सबने ऐसे ही निकाला है, हमने ही नहीं। तो बस व्लॉग ऐसा बना है हमारा आज का, तो अब देखते अल्लाह रहम करे। और आप सबका भी वहाँ पे कितनी बारिश है बताना, सब वैसे तो बोल रहे क्यों कि बहुत बारिश है, बहुत बारिश है। हाँ सही है। चलो अब मेरी सुबह हो चुकी है और सुबह सुबह नाश्ता तैयार मेरा, चलो नाश्ता करने। और देखो अम्मी जान मेरी कपड़े धो रही है, सब कपड़े वपड़े निकाले हैं पूरे ईद विद के क्यों मम्मा? जी चलो तो अब अभी आएंगे, कितने बजे है? 11 बजे हैं अभी, 11:30 12 बजे आएंगे आई थिंक काम करने घर का। तो वो घर का काम करेंगे और अम्मी जानवा वो सब करेंगी, ईद का इतने सारे कपड़े वो सब हो जाते हैं तो वो सब करेगी। देखो बाहर हमारी पूरी गली को साफ सफाई चल रही है, देख सकते हैं। तो बस अब वो साफ सफाई चल रही है, मेरी मम्मा हर रोज अपनी पूरी गली साफ सफाई करवाती है और 2 दिन से तो सब छुट्टी पे थे और ईद की छुट्टी भी देनी चाहिए इसकी वजह से, तो हम काम कर रहे थे। मेरी मम्मी ने सारे बर्तन वो सब मम्मी ने कर दिए थे और घर का भी कल कुछ आए नहीं थे कल काम करने, तो आज से आएंगे सब रेगुलर हो गया सब काम चालू। तो बस आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था, कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।